हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चहल एकेडमी माय नेम में शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के बारे में अगर आपके एग्जाम के पर्पज से हम बात करें तो ऐसी स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाना काफी लाजमी है आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे साथ ही साथ क्योंकि मेन सेक्शन में यूपी जीके का एक बड़ा पार्ट जो है एड हो गया है वहां पर ये स्कीम्स जो हैं आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगी टू क्लियर द अंडरस्टैंडिंग हाउ यूपी ऑपरेटिंग इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स टू द इश्यूज तो आइए स्टार्ट करते हैं बात करना अबाउट द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जो कि यूपी में चल रही हैं और लाई गई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स जो है इंप्लीमेंट uh, की हैं ताकि जो सारे वर्ग हैं उत्तर प्रदेश के उनको एड्रेस किया जा सके उनको फैसिलिटेशन दिया जा सके और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है उस पर भी असर देखने को मिलेगा आपको यहाँ की स्कीम्स का साथ ही साथ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है उनको हेल्प करने के लिए भी इन स्कीम्स को लागू किया है जैसे कि इंपावरिंग वुमेन सपोर्टिंग फार्मर्स साथ ही साथ लाइफ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए भी यहां पर आपको बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलेंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली स्कीम जो है वो हमारे सामने है उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है इस स्कीम के अंतर्गत हजार रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है किसको देती है डेली वेज वर्कर्स को और ये स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग कोविड नाइनटीन का लॉकडाउन बेसिकली स्कीम के अंतर्गत क्योंकि यहाँ पर जो डेली वेज वर्कर्स हैं लॉकडाउन की वजह से उनके पास जो इनकम का स्रोत है वो खत्म हो चुका था तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी बेनिफिशरीज जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स ऑटो ड्राइवर्स रिक्शा पुलर्स ई रिक्शा ड्राइवर्स और साथ ही साथ जो पोर्टर्स हैं ड्राइवर्स हैं कूली हैं इन लोगों को भी यहाँ पर फैसिलिटेशन दिया गया जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी डेली वेज वर्कर्स के लिए कोविड नाइनटीन के लॉकडाउन में यहाँ पर जो बेनिफिशरीज हैं अभी तक साढ़े चार लाख से ज्यादा डेली वेज वर्कर्स जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स रिक्शा पुलर्स इनको एज बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करके इस स्कीम का जो फायदा है वो दिया गया है साथ ही साथ यहाँ पर जो फंड ट्रांसफर हो रहा है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ताकि यहां पर जो मिडिल मैन है उनके बीच जो है पैसा ना फंसे और डायरेक्टली जो भी बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में इसका जो अमाउंट है वो यहां से जा सके अब आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश डेस्टीट विडो विमेन पेंशन स्कीम की उत्तर प्रदेश ये स्कीम जो है विडो पेंशन स्कीम के तहत लाया है यहां पर हजार रुपए प्रति माह का सहायता मिलती है किसको विडोज या फिर डेस्ट्यूट विमेन को यहां पर डिस्टिट्यूट विमेन जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है यहां पर थाउजेंड रुपीस पर मंथ का अब यहां पर अगर हम बात करें तो जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत क्लियर है कि जो भी यहां पर विडो या डिस्टिट्यूट जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा वो परमानेंट यूपी रेजिडेंट होना चाहिए विडो की एज स्पेसिफाई की गई है 18 से 60 साल के बीच और फैमिली इनकम जो है वो दो लाख रुपए प्रति साल से कम होनी चाहिए यहां पे बेनिफिट जो है वो है वो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस हजार रुपए का मंथली पेंशन जो है वो यहां पर अगेन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत यहां पर दिया जा रहा है अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है इंटरग्रेटेड सोशल पेंशन प्लेटफॉर्म पोर्टल बनाया गया है जिसके तहत आप रजिस्टर कर सकते हैं और जो ऑफिशियल हैं वो स्क्रूटनी करके कंफर्मेशन देके आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे इसके अलावा इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो भी विडोज हैं स्पेशली जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही हैं उनको उनको यहां पर फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो एक बेसिक लाइफ जो है वो जी सके और उनको ये असिस्टेंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है आगे बढ़ते हैं यहां पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश ओल्ड एज पेंशन स्कीम की इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है एल्डरली सिटीजन को जिनकी उम्र साठ साल या उससे ज्यादा है यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से काफी क्लियरली मैंशन है परमानेंट यूपी रेसिडेंट होना ही होगा उस एप्लीकेंट को टू बी एलिजिबल ताकि वो इस स्कीम का जो फायदा है एज अ बेनिफिशियरी ले सके एज जो है यहाँ पर सिक्सटी या उससे ज्यादा साथ ही साथ यहां पर जो भी एप्लीकेंट है वो बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए और जो इनकम लिमिट है वो रूरल की रुपीज फोर्टी सिक्स थाउजेंड एटी दी गई है और उसके अलावा अर्बन की फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी रुपीज दी गई है रूरल और अर्बन की यहाँ पर जो लिमिट डिफाइंड है वो अलग अलग है और ये जो लिमिट है ये एनुअली लिमिट सेट की गई है अगर आप इसके नीचे हैं देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर उत्तर प्रदेश ओल्ड एज पेंशन स्कीम अब इस स्कीम में आपको हजार रुपए की पेंशन जो है मंथली पेंशन जो है वो एल्डरली को दी जा रही है अगेन यहाँ पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जा रहा है यहां पर कोई इंटरमीडिएटरी या फिर मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जो एल्डरलीज है वो डिग्निटी के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ रह सके उसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें इसका भी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है और इंटीग्रेटेड सोशल पेंशन पोर्टल जो है उसके तहत ही एप्लीकेशन होगा तो यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट पोर्टल का भी जिक्र कर लेते हैं इंटीग्रेटेड सोशल पेंशन पोर्टल जो कि लास्ट स्कीम में भी डेस्टिट्यूट विडो पेंशन स्कीम में भी हमने बात की थी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर सोशल पेंशन से रिलेटेड सारी जानकारी चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे स्कीम की एलिजिबिलिटी हो एप्लीकेशन स्टेटस हो वो देखा जा सकता है एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है पोर्टल अब अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की हम बात करें यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है साथ ही साथ इंटीग्रेटेड सोशल पेंशन पोर्टल पर ही ये एप्लीकेशन जो है वो भरा जा सकता है और अकॉर्डिंगली रजिस्टर किया जा सकता है आगे बढ़ते हैं अगली स्कीम पर अगली स्कीम जो है वो है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम अब यहाँ पर जो है है यूथ एम्पावरमेंट पर यहाँ पर जो युवा सशक्तिकरण है उस पर फोकस है इसको लॉन्च किया गया था 2021 में और यहां पर फोकस है कि जो स्टूडेंट्स हैं यूपी में वो उनको फोकस दिया जाए कि वो एजुकेशन को परस्यू कर सके थ्रू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का यूज हो और जो एजुकेशन है उसके सारे पर्पसेस और जो यहाँ पर यूथ है उनको एम्पावरमेंट मिले यहाँ पर फ्री टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स जो है वो दिए जाते हैं एलिजिबल स्टूडेंट्स को ताकि अपने जो कोर्सेज की पढ़ाई है वो उन टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स से क्लियरली कर सके यहां पर टारगेट जो पहले फेज का था वो ये डिवाइसेस का डिस्ट्रीब्यूशन वन करोड़ स्टूडेंट्स का था फेज वन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है ये स्कीम जो है ये कवर करती है जो भी स्टूडेंट्स आउटसाइड स्टेट से भी आए हैं यूपी में पढ़ने के लिए और यहाँ पर सिर्फ उन रेसिडेंट्स को एक्सक्लूजन मिला है मतलब वो रेसिडेंट्स यूपी रेसिडेंट्स जो फायदा नहीं उठा सकते हैं जो है वो ये हैं जो यूपी से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए अगर किसी और स्टेट का स्टूडेंट यूपी में आ रहा है पढ़ने के लिए तो वो इस स्कीम का पार्ट माना जाएगा बट अगर यूपी का परमानेंट कोई रेसिडेंट बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए तो इस पर्टिकुलर स्कीम का वो फायदा नहीं उठा पाएगा इस स्कीम की अगर हम ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहां पर पहला मेन ऑब्जेक्टिव है कि डिजिटल लर्निंग जो है फैसिलिटेट हो सके ये मतलब कि एजुकेशन जो है वो फिजिकल मटीरियलिस्टिक चीजों से लिमिट ना हो एक्सेसिबिलिटी जो है एजुकेशन की टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीन्स को यूज करते हुए सभी के पास पहुंचे सेकेंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर किसी भी बैकग्राउंड से किसी भी रीजन से अगर कोई यूपी में पढ़ रहा है तो यहाँ पर ये स्कीम जो है इंश्योर करती है कि ये सारे ही स्टूडेंट्स जो हैं फैसिलिटेट हो और पढ़ सके अच्छे से अगर वो यूपी के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करें और साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट है फोकस करता है कि जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है और जो स्किल गैप है स्पेशली एजुकेशन में वो उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूशन में ना रहे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूसेज के साथ एजुकेशन का जो है वो पढ़ाई यहां पर की जाए दूसरी स्कीम उसके बाद हमारे पास है पंडित दीनदयाल विलेज इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम अब इस स्कीम की बात करें तो ये ग्राम उद्योग रोजगार योजना पे आधारित है और यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरियाज में देखी जा रही है उसको सॉल्व करने में फोकस है यहां पर इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो माइग्रेशन देखा जा रहा है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और साथ ही साथ बाकी और इश्यूज जैसे कि स्लम्स का डेवलपमेंट गंदगी और पोल्यूशन जो इंक्रीज हो रहा है उसको भी रिजोल्व किया जा सके तो यहाँ पर फोकस है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरियाज में ही जनरेट हो अब इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है लोन्स पर अप टू थर्टीन परसेंट इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है जब भी यूनिट्स बनाए जाएंगे अंडर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम फॉर थ्री सेंट्रल स्कीम से इंटीग्रेटेड है ये स्कीम जो है फैसिलिटेट करती है जो इंडस्ट्रीज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत लग रही हैं अब इस स्कीम में जो भी यूनिट अप्रूवल पा जाएगा सेंट्रल स्कीम के तहत वो यहां पर इसका बेनिफिट ले सकता है इंटरेस्ट सब्सिडी जो रहेगी वो अपटू थर्टीन परसेंट रहेगी जो कि तीन साल के लिए दी जाएगी यहां पर मेजर फोकस है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज और नई टेक्नोलॉजी के एमालगमेशन पे साथ ही साथ रूरल एम्प्लॉयमेंट पे फोकस है ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं विलेजेस में रूरल एरियाज में क्रिएट हो सके ताकि जो माइग्रेशन है जो कि रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में हो रहा है वो ग्रेजुअली कम हो उसका जो मेन इशू है वो रिजोल्व हो आगे बढ़ते हैं दूसरी स्कीम है हमारे पास चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला स्कीम स्कीम अब ये जो चीफ मिनिस्टर स्कीम है उत्तर प्रदेश की ये की गई थी लाई गई थी 2019 में और यहाँ पर फोकस है कि विमेन इंपावरमेंट लाया जाए बाय प्रिवेंटिंग जो फीमेल फिटिसाइड हो रहे हैं और साथ ही साथ चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है पच्चीस का गर्ल्स को और ये भी अलग अलग छह फेजेस में दिया जा रहा है यहां पर फेजेस जैसे कि जब भी बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड होगा तो वहां पर पांच हजार रुपए दिए जाएंगे फिर जब वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा सो टू थाउजेंड रुपीज विल बी गिवन अब उसके बाद क्लास वन के एडमिशन पर नेक्स्ट अमाउंट डिसबर्स होगा क्लास सिक्स के एडमिशन पर क्लास नाइन्थ के एडमिशन पर एंड फाइनली ग्रेजुएशन पर उ बी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज और बीस हजार रुपए है रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ने इस अमाउंट को बढ़ा के पच्चीस हजार रुपए कर दिया है अब यहां पर एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो ये सिर्फ उन लड़कियों की फैमिलीज जिनकी इनकम तीन लाख रुपए पर साल से कम है उनको दी जा सकती है और इस स्कीम के तहत सिर्फ दो लड़कियां एक फैमिली से बेनिफिट ले सकती हैं यहाँ पर जो डिस्पर्सल है फंड्स का वो फेजेस के कंप्लीट होने के बाद जैसा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसके हिसाब से होगा देन वी हैव उत्तर प्रदेश डिसेबल्ड पेंशन स्कीम ये पेंशन स्कीम जो है ये स्पेशली डिसेबल्ड पीपल के लिए जिनको असिस्टेंस रिक्वायर्ड है उनके लिए यहाँ पर उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी हजार रुपए प्रति माह की और अगेन यहां पर जो ट्रांसफर होगा वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा अगर इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है कि परमानेंट यूपी रेजिडेंट्स होना चाहिए साथ ही साथ इन एज 18 प्लस होना चाहिए और एलिजिबिलिटी में डिसेबिलिटी जो है यहां पर वो मिनिमम फोर्टी परसेंट होनी चाहिए अदर देन अगेन यहाँ का एप्लीकेशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सोशल पेंशन पोर्टल से ही है बेनिफिट अमाउंट हजार रुपए प्रतिमा है जिसमें डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और यहां पर फोकस है कि डिसेबल्ड लोगों को एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिल सके और साथ ही साथ लाइवलीहुड सपोर्ट मिल सके जिससे वो एक डिग्निफाइड लाइफ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जी सके आगे हम बढ़ते हैं अगली स्कीम पर अगली स्कीम जो है वो हमारी उत्तर प्रदेश मैरिज ग्रांट स्कीम अगर हम मैरिज ग्रांट स्कीम की बात करें तो इसको लॉन्च तो 2016-17 में ही कर दिया गया था स्पेशली उन फैमिलीज के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और उनकी लड़कियों की शादी के लिए इस स्कीम के तहत बीस हजार रुपए पर मैरिज मैक्सिमम दो लड़कियों के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं और यहाँ पर अगेन एलिजिबिलिटी के लिए परमानेंट यूपी रेजिडेंट जो होना वो जरूरी है और साथ ही साथ लड़का लड़की की जो लीगल एज है वो अकॉर्डिंगली कंप्लीट होनी चाहिए जैसे कि लड़की की एज जो है 18 प्लस होनी चाहिए और लड़के की एज यहाँ ट्वेंटी वन प्लस होनी चाहिए फर्दर मोर जो फैमिली इनकम है वो बेसिक पॉवर्टी लाइन जो कि डिफाइंड है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए यहां पर जब भी शादी होगी तो उसके नब्बे पहले या बाद उनको प्रॉपर ऑनलाइन पोर्टल पर अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा रजिस्टर करना होगा यहां पर बेनिफिट अमाउंट जो है वो रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड पर मैरिज ही है टू डॉटर्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर फैमिली कैन अबेल दिस यहाँ पर इनकम लिमिट जो है वो इस चीज पे है कि जो भी फार्मर्स है उनको अगर किसी वजह से एक्सीडेंट की वजह से या डिसबिलिटी हो गई एक्सीडेंट की वजह से तो उसकी वजह से सफर ना करना पड़े उनकी फैमिली को अगर डेथ हो गई तो उनको उनकी फैमिली को और अगर उनको कोई डिसेबिलिटी हो गई है तो उनको सफर ना करना पड़े अगर यहां पर एक्सीडेंटल डेथ है या फिर टोटल फिजिकल डिसेबिलिटी है तो गवर्नमेंट जो है रुपीज फाइव लाख डेथ बेनिफिट दे रही है साथ ही साथ डिसेबिलिटी बेनिफिट अगर यहां पर रुपीज फाइव लाख का मिल रहा है फॉर लॉस ऑफ बोथ एंड लेगनाइज और 2.5 लाख का फॉर लॉस ऑफ वन लिम्ब और आई अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो वहां पर भी अमाउंट जो है वो ढाई लाख का डिफाइंड है और एलिजिबिलिटी के लिए यहां पर परमानेंट यूपी रेसिडेंट या फिर यूपी फार्मर होना जरूरी है जिनकी एज 18 साल से 70 साल के बीच में हो और यहाँ पर वो लीज होल्डर या एज अ शेयर प्रॉपर जो है प्रेजेंट हो यहाँ पर फोकस है कि फार्मर्स फैमिली को सपोर्ट किया जाए इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स जो कि एग्रीकल्चर में होते हैं ताकि जो एक डिस्ट्रेस है चाहे वो फार्मर का हो या फैमिली का हो वो एड्रेस हो सके उनका जो सोशल लाइफ है वो फैसिलिटेट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है आगे बढ़ते हैं चीफ मिनिस्टर्स अभ्युदय स्कीम जो है यहाँ पर फ्री कोचिंग दी जा रही है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए ताकि जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं स्पेशली फ्रॉम इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उनको ये फैसिलिटेशन मिल सके और वो अपने पैसे की कमी की वजह से जो अपना पोटेंशियल है ऐसा ना हो कि उसे ना रीच कर पाए यहाँ पर फ्री ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का फैसिलिटेशन है काउंसलिंग सेशंस और साथ ही साथ गाइडेंस जो है वो सिविल सर्विस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ही देंगे स्कीम में जो है फेस टू फेस एंड वर्चुअल क्लासेस की बात की गई है साथ ही साथ वाइड वैरायटी ऑफ एग्जाम चाहे वो जेई हो चाहे वो एनडीए हो सीडीएस हो और भी अदर एग्जाम्स जो हैं इसमें इंक्लूडेड है इस यहाँ पर जो फ्री कोचिंग की बात की जा रही है उसमें फेस टू फेस क्लासेस वर्चुअल सेशंस और एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी स्टडी रिसोर्सेज में ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, फ्री टैबलेट्स एंड इंटरनेट पैक्स ताकि जो स्टूडेंट की एक्सेसिबिलिटी है पढ़ने के लिए वो इंश्योर रहे और साथ ही साथ फैकल्टी जो यहाँ पे रहेगी वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स रहेंगे जिनको पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इस एग्जाम को और अलग अलग एग्जाम्स को क्रैक करने के ताकि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें जिनमें पोटेंशियल है वो मेरिटोरियस हैं वो इन एग्जाम्स में अपनी परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ पर परफॉर्म कर सके आगे बढ़ते हैं देन वी हैव कॉमन मैन इंश्योरेंस स्कीम अगर हम इसकी बात करें तो आम आदमी बीमा योजना जो है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है स्पेशली उन एम्प्लॉय के लिए जो कि अनऑर्गेनाइज या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 93% थ्री परसेंट ऑफ द इंडियाज वर्क फोर्स वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेंटर ये स्कीम जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है रूरल लैंडलेस फैमिलीज को और यहाँ पर जो बेनिफिट है वो मिलता है थर्टी थाउजेंड फॉर नेचुरल डेथ एंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड फॉर एक्सीडेंटल डेथ यहाँ पर जो एजुकेशन सपोर्ट है यहाँ पर मंथली स्कॉलरशिप मिलती है फॉर एनी बडी जिनके दो बच्चे हैं और उनको क्लासेस टेन टू ट्वेल्थ तक ये फाइनेंशियल सपोर्ट अशोर किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली ये जो यहाँ पर स्कीम है वो बनाई गई है ताकि जो यहाँ पर वर्नरेबल फैमिलीज हैं उनको कुछ एक्सटेंड तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है मिल सके आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट अलाउेंस स्कीम अगर इस स्कीम की बात करें तो ये 2012 में ही लॉन्च हो गई थी और यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है अनएम्प्लॉयड यूथ को जो उत्तर प्रदेश के स्टेट में है यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स हैं वो 25 फाइव टू फोर्टी ईयर्स की एज में हो सकते हैं और वो रिसीव करते हैं वन थाउजेंड पर मंथ एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउेंस यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगेन यूपी रेसिडेंट होना मैंडेटरी है साथ ही साथ एज जो है वो पच्चीस से चालीस के बीच में होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो टेंथ पास जरूरी है और फैमिली इनकम जो है रुपीज थर्टी सिक्स थाउजेंड एनुअली से कम होना यहाँ पर जरूरी है बेनिफिट अमाउंट रहेगा वन थाउजेंड पर मंथ और स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इंगेज रहे और स्टेट उनको फैसिलिटेट करता रहे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है और यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो ऑफिशियल्स हैं वो स्क्रूटनी करके इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे देन वी हैव चीफ मिनिस्टर्स माइनर इरिगेशन स्कीम यहाँ पर प्राइवेट इरिगेशन फैसिलिटीज जो है फार्मर्स को दी जाती हैं इन उत्तर प्रदेश यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है फार्मर को ताकि वो बोरिंग पंप सेट और पाइप्स जो है वो लगवा सके अपनी इरिगेशन फैसिलिटी के लिए इस स्कीम के तहत फोकस जो है वो सोलर एनर्जी और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स में है यहाँ पर ट्यूबवेल्स कवर होते हैं चाहे वो शालो हो अप टू थर्टी मीटर मीडियम हो डीप हो और ग्रांट्स जो है वो साढ़े बारह हजार से डेढ़ लाख के ऊपर तक भी जाते हैं अगर ये यहाँ पर कैटेगरीज बनाई गई हैं कि बोरिंग डेप्थ कितनी होगी उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर फार्मर्स को ग्रांट अमाउंट मिलेगा जैसे कि अप टू थर्टी मीटर्स है तो यहाँ साढ़े बारह हजार से उन्नीस हजार तक का ग्रांट अमाउंट है देन थर्टी टू सिक्सटी मीटर्स है देन द अमाउंट गोज टू वन लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड और अगर सिक्सटी मीटर्स के बियॉन्ड है तो द अमाउंट इज अराउंड सेवेंटी एट थाउजेंड नाउ वी हैवर्ड इन डिटेल ऑलमोस्ट 15 स्कीम्स रिलेटेड टू यूपी वेलफेयर ये स्कीम्स जो है सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करती है और इंश्योर करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी इज मेंटेन चाहे वो डिपेंडेंट्स हो चाहे वो यूथ हो और चाहे फिर वर्किंग पॉपुलेशन हो इस वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच